नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत वंदन और बारंबार अभिनंदन करता हूँ। इसलिए इन छात्राओं आज पुनः हाजिर हैं आपके पाठ्यक्रम में समृद्ध एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर, और जो प्रकरण का नाम होता है अलंकार परिचय। अलंकारों के संदर्भ में हम आपको विगत पीढ़ियों में भी कुछ सामान्य जानकारी प्रदान कर चुके हैं कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, यानी जो तत्व या धर्म काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं या काव्य को अलंकृत करते हैं उन्हीं का नाम अलंकार है। काव्य रस के प्रणेता जो आचार्य दंडी हैं, उन्होंने काव्य में अलंकार को इस प्रकार से परिभाषित किया कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, यानी जो तत्व या जो धर्म काव्य की शोभा में अलंकरण का कार्य करते हैं उन तत्वों का उन धर्मों का नाम ही क्या है, अलंकार है। आचार्य जो बामन हुए उन्होंने अलंकार को परिभाषित किया सौंदर्य अलंकार, यानी सौंदर्य का दूसरा नाम ही क्या है, अलंकार है। तो स्पष्ट हुआ जिस प्रकार से एक व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता के लिए उसके लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा या काव्य की शोभा में अभिवृद्धि के लिए जिन तत्वों की जिन धर्मों की अति आवश्यकता होती है उन धर्मों का उन तत्वों का नाम ही क्या है, अलंकार। तो चलते हैं आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकारश्च भेदा, यानी कि अलंकार के भेद आखिर कितने होते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका अलंकारश्च द्विविधा, अलंकार के दो भेद होते हैं और उनका नाम है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क में ये जागृत हो रहा होगा कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार अर्थात जहाँ शब्दों के प्रयोग के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता में अभिवृद्धि होती है उन्हें हम शब्द अलंकार के नाम से जानते हैं, अर्थात जिन तत्वों से जिन धर्मों से जहाँ शब्दों के प्रयोग के माध्यम से कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि हो रही है वो शब्द अलंकार। अब प्रश्न उठता है अर्थ अलंकार, यानी जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है उन्हें हम अर्थ अलंकार के नाम से जानते हैं। आपके पाठ्यक्रम में दोनों प्रकार के अलंकार सम्मिलित हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो चलते हैं हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कुछ प्रमुख शब्द अलंकारों की ओर। तो शुरुआत करते हैं आज अनुप्रास अलंकार के साथ। अनुप्रास, सबसे पहले आपको ये जानना परम आवश्यक है कि आखिर अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य अथवा वर्ण साम्य अनुप्रास है, यानी वर्णों की जो सादृश्यता होती है वर्णों की जो समानता होती है उसी का नाम क्या है, अनुप्रास है। अर्थात अनुप्रास है शब्द साम्यम, शब्दों की समानता होते हुए भी शब्दों की समानता हो चाहे क्या हो स्वरों की विषमता हो तो वहां पर क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार, यानी किसी भी संक्षिप्त में जाने किसी भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की सादृश्यता या समानता का नाम ही क्या है, अनुप्रास, चाहे स्वरों की विषमता क्यों ना हो। यानी स्वर कोई से भी हो सकते हैं लेकिन वर्णों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। तो वहां पर आपका अलंकार होगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण क्या है, लता कुंजम गुंजनम मंदम वदली पुंजम चपलयन रमा समालिंगम नंगम द्रुतम अरम नंगम प्रवलयन मरुनि मंदम मंदम दरितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम बिंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। लता कुंजम गुंजनम मंदम वदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुतम रमणंगम प्रवलयन मरुनि मंदम मंदम दरितम अरविंदम तरलयन
रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। तो इस श्लोक में आप देखेंगे कुंजम है, मंदम है, कुंजम है, लंगम है, नंगम है, मंदम है, मंदम है, विंदम है, वृंदम है, मकरंदम है और दिशि दिशि। यहां एक ही वर्ण की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। बार बार एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए स्पष्ट है कि एक वर्ण समुदाय की बार बार आवृत्ति हो रही है, चाहे स्वरों की विषमता हो, यानी कि वर्णों की सदृश्यता का दूसरा नाम ही क्या होता है आपका, अनुप्रास अलंकार होता है। तो स्पष्ट है इस श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास का। वैसे ये जो आपका श्लोक है इसमें संज्ञा रस से उत्प्रोत है और वसंत कालीन जो ऋतु होती है उसका बड़ा ही नैसर्गिक वर्णन किया गया है श्रृंगार रस में। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ आपका, अनुप्रास। अनुप्रास का लक्षण आपको ध्यान है कौन सा, वर्ण साम्य अनुप्रास है। अब चलते हैं आपके यमक अलंकार की ओर। यमक, यमक शब्द इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ा, युगल, युग्म होता है। यानी कि इसका लक्षण है सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहेते क्रमेण ते नई वावृति यमकम विनिगतते। अनुप्रास के उपरांत जब आप पढ़ेंगे क्या यमक अलंकार, तो यमक अलंकार का जो परिभाषा है या लक्षण है वो क्या है, सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहेते क्रमेण ते नई वावृति यमकम विनिगतते। यानी कि जहां पर एक वर्ण समुदाय की एक से अधिक बार क्या हो, आवृत्ति हो, और आवृत हुए शब्द का अर्थ प्रत्येक प्रत्येक बार क्या हो, पृथक पृथक होता है, वहां पर आपका अलंकार होता है कौन सा, यमक। यानी यमक अलंकार में क्या होता है, किसी भी शब्द समुदाय की या वर्ण समुदाय की बार बार आवृत्ति तो होती है लेकिन आवृत हुए शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है। यानी कि एक शब्द समूह की क्या होगी, बार बार आवृत्ति तो होगी लेकिन आवृत हुए शब्द का अर्थ प्रत्येक बार क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि पृथक पृथक अर्थ होगा, इसलिए वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ यदा कदा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, युग्म होता है, युगल होता है, अर्थात जोड़ा। यानी कि इसमें एक शब्दों समूह का जोड़ा होता है और उस जोड़े का अर्थ प्रत्येक बार क्या होता है, अलग अलग होता है, वहां पर आपका अलंकार कौन सा होगा, यमक। चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। उदाहरण आपने पढ़ा हुआ चिरपरिचित वही उदाहरण है इसका, लेकिन हाँ देखिए, नव पलास पला शिव नहम परे इस फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकय शेषुरुभिम सुरुभिम सुमनोहर। देखें कि नव पलास पला शिव नहम परे इस फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम अलोकयत शेषुरभिम सुरभिम सुमनोहरै। तो इस श्लोक में देखेंगे आप पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम, इन शब्द समूह का क्या हुआ है, एक से अधिक बार आवृत हुआ है। एक बार इनका शब्द सार्थक है, एक बार निरर्थक है, अर्थात एक बार इनका अर्थ अलग है, एक बार अलग है। यानी दोनों बार इनका अर्थ पृथक पृथक होने के कारण यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा, यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ युग्म युगल अर्थात जोड़ा होता है, अर्थात इसमें किसी शब्द समूह की आवृत्ति तो होती है बार बार लेकिन आवृत हुए शब्द का अर्थ प्रत्येक बार क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जानकारी हम आपको और दे दें, महत्वपूर्ण जानकारी ये है
कि आपकी बार आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार सम्मिलित हैं वो केवल और केवल काव्य दीपिका की जो अष्टम शिखा है, काव्य दीपिका की अष्टम शिखा पर आधारित है। यानी कि आपको जो उदाहरण देने हैं सिर्फ और सिर्फ काव्य दीपिका की अष्टम शिखा पर आधारित होने चाहिए। तो ये उदाहरण तो आपने पहले भी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसको तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो उदाहरण देने आपको काव्य दीपिका की अष्टम शिखा पर आधारित होने चाहिए। एक बुक है काव्य दीपिका की अष्टम शिखा, उस पर आधारित होने चाहिए। जिस प्रकार से आपके छंद अभिज्ञान शाकुंतल पर अवलंबित है, ठीक उसी प्रकार से आपके अलंकार काव्य दीपिका की अष्टम शिखा पर अवलंबित है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और नवीन अलंकारों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।